आदरणीय कुमार विश्वास जी की उपस्थिति ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये युवाओं के लिए लिखते हैं, युवाओं के आइडल हैं और मैं युवा हूं, तो मेरी कविताओं का सम्मान आप करो ना करो, मेरा युवा होने का सम्मान जरूर कर देना यार। तो जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, हास्य में कवि हूं और बहुत कम देर आपके बीच में हूं। जितनी भी देर मैं यहां पर हूं, मैं सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। जैसा हमारे पास सर ने बताया कि हमारे पास कोई यंत्र तंत्र नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। मैं मेरे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जहां कहीं बात आप तक पहुंचती रहे आप तालियों से बताते रहना, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। क्या बात है बेटा, वाह, बोलते रहिए। मैं आपको बता दूं, वैसे मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन मेरा क्रिकेट से उतना ही लेना देना है जितना सनी देओल का डांस से। नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। प्रोग्राम ऐसे ही हुआ, नाम छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई, सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला। बाद में स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूं हास्य कवि रोहित शर्मा। तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हो और राहुल गांधी स्टेज पे आ जाए। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है, नाम में बहुत ह्यूमर भी है, बहुत हास्य भी है। और अगर साउंड दादा मेरे आवाज सुन रहे हो तो अगर इसमें इको हो तो बिल्कुल एकदम इको बंद कर दीजिएगा, हाँ, क्योंकि इको मुझे ऐसा लगा। नाम में बहुत ह्यूमर होता है। मैं आ रहा था, मैंने सड़क पे कुछ बोर्ड पढ़े, देखिए कहाँ कहाँ से हंसी आती है और जहाँ कई बात आप तक पहुंचती रही, आपके ठाके आपकी तालियां। मेरे सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, अरे उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून। बारीक था, बहुत अच्छा, वाह वाह, बारीक था। थोड़ा आगे गया, मल्लिका टेक्सटाइल्स, अडानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स, कौन बैठे, सूरदास ऑप्टिकल्स, इंजमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, बहुत अच्छे, सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, ये अच्छा था। और अंतिम बोर्ड तो बड़ा अद्भुत था, उस पर आप सबकी तालियां मिलेंगे। उस पर लिखा था बाबा राम रहीम गर्ल्स हॉस्टल। तो मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं आपको जोड़ने के लिए कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। पांच दस मिनट बस आपके बीच में हूं। हम सब जानते हैं कि आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आए हैं, हम केवल स्टार्टर हैं और हम उतने ही देर रहेंगे जितनी देर एक स्टार्टर की भूमिका होती है। लेकिन हम साल के पहले महीने में हैं, पूरा साल हमारा कैसा बीतेगा ये आज आपकी तालियां तय करेंगी। तो आप सुनेंगे अच्छा लगेगा। वैसे मैं सर ने बताया मैं बेसिकली राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी, और आज बहुत सारे मारवाड़ी परिवार है। कितने मारवाड़ी बैठे हैं आज? अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। देखो हम मारवाड़ियों के घरों में दिन भर पैसे को लेके बात होती है, दिन भर पैसे को लेके बात होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पीसा की कोनी है। जवाब है ही नहीं, बड़े अद्भुत है। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है? मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। मारवाड़ी को कोई जवाब है ही नहीं। मैं मुंबई में जा रहता हूँ, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। बहुत अच्छा, ताली कम दी भाई, वाह लड़के वाह, मजे दे रहा भाई, मजे दे रहा है, क्या बात है रोहित, वाह बेटे। जवाब नहीं है, मारवाड़ी बड़े अद्भुत होते हैं, लेकिन गुजरात का तो खैर अद्भुत है ही, गुजरात का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। मतलब सर ने जैसा बताया टूरिस्ट डेस्टिनेशन चेंज कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो चेंज कर दिया, दिवाली की डेट भी चेंज कर दी। बहुत बारीक, क्या बेटे क्या बैठी है तेरी, वाह वाह, धीमे से। अच्छा मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरी पत्नी बहुत दुखी है, बोले दिवाली तो मना लेंगे लेकिन दिवाली की सफाई करने ना भूल दे बस मोदी जी। लेकिन देखिए ये गुजरात की धरती है, दो दिन बाद मकर संक्रांति है, आप जैसे बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, तब एक बात कहता हूँ कि गुजरात की धरती वो धरती है कि गुजराती जब नवरात्रि मनाता है
तो पूरी धरती को कपड़ों से रंग बिरंगी कर देता है, और गुजराती जब संक्रांति मनाता है तो पूरे आसमान को पतंग से रंग बिरंगा कर देता है। और मारवाड़ियों और गुजरात की धरती पे और एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो अधिकांश दो ही कम्युनिटी के हुए, या तो वो मारवाड़ी हुए या वो गुजराती हुए। और ऐसा क्यों है, मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना जो मैं पूरी दुनिया में सुनाता हूं, आज आपके बीच में सुना रहा हूं, आपको लगे अगर आपके समाज के सबसे छोटे बेटे ने एक बड़ी बात कही है तो आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग बैठे हैं तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए सफल है यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है तो हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है तो हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है तो हम पैदल चलते हैं, चलते रहते रुकते नहीं है। इसलिए हम बात है बात बात इसीलिए आज राजीव ने पेमेंट उसी तरह करा था। राजीव जी तो खैर नहीं, मतलब और राजनीति की बात खैर मैं करता भी नहीं, आदरणीय कुमार सर हैं, क्या राजनीति की बात करें, मतलब मैं आपको बताऊं कुमार सर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं खास हूं क्योंकि कुमार विश्वास जी जिसको प्यार करे वो आम आदमी तो हो नहीं सकता। अच्छा लगा, आप लोग हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, शादीशुदा लोग हैं उसके बावजूद हंस रहे हैं, बड़ी बात है। वरना बहुत कठिन परिस्थिति है, पिछले दिनों मेरी पहली बार शादी हुई, हाँ तो मैं आदरणीय कुमार सर के पास गया, मैंने कहा सर नई नई शादी होती है तो क्या करना पड़ता है, सर ने कहा बेटा नई नई शादी होती है तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। अब मैं बड़ों की बात में आ गया लेकिन मैं हूं तो मारवाड़ी, तो मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा उसको बड़ा पसंद आया, पहनने लगी, पहनते पहनते पूछा ये असली तो है ना, मैंने कहा असली होना चाहिए वरना 35 रुपए गए पानी में। अब पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूँ, बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया, वो बोली कैसी जगह ले आए हो, मैंने कहा पगली लोग मरते हैं आने के लिए। क्या बात है, वाह, लोग मरते हैं आने के लिए। अपनी पत्नी होती गुस्सा हो गया, फिर मैंने उससे कहा तू चिंता मत कर अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा 25वीं पर, मैंने कहा लेने आऊंगा। पति और पत्नी का रिश्ता भी ना कांग्रेस और बीजेपी जैसा ही होता है। हाँ, मेरी पत्नी भी मोदी जी की भक्त है, मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कहा आज के बाद मैं तुझे लड़ने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब पत्नी भक्त है, उसने कहा मैं तुम्हारे दिए हुए मौकों की मोहताज नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। लेकिन जो जवाब मैंने दिया, क्या बात है वाह, लेकिन जो जवाब मैंने दिया, सारे पुरुषों की तालियां चाहता हूं। देखो महिलाओं, आप कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, तुम सुंदर लग रही हो ये सुनने के लिए तो हम पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं महिलाओं का सचमुच बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती है। जैसे आप इन्हें मकान दें या आपको घर करके दें, आप इन्हें अनाज दें या आपको भोजन, आप इन्हें मुस्कुराहट दें या आपको अपना दिल दे देती है। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती है। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, ताली कम बजा रहे हो आप, एक ताली बजा रहे हैं,